Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Paathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक CBSE स्कूल के एनुअल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर क्लास फर्स्ट मैथ के क्वेश्चन. में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि मैं क्लास फर्स्ट के कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पेपर डाले हैं. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें. साथ ही मैं क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स क्लास के सभी सब्जेक्ट्स के एनुअल एग्जामिनेशन के पेपर डालते जा रहे हैं. तो अगर आपका बच्चा इन क्लासों में है तो आप एक बार अवश्य चेक करें क्वेश्चन पेपर. अगर आपके बच्चे के एग्जाम नहीं हुए हैं तो इस पेपर के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे की तैयारी कैसी है. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए. हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो मिलेंगे. साथ ही हमारे चैनल पर आपको ओलंपियाड एग्जाम से रिलेटेड जानकारी, एग्जाम कब होगी, एग्जाम क्या होता है, डिफरेंट टाइप के ओलंपियाड एग्जाम और उनसे संबंधित वर्कशीट आपको देखने को मिलेंगे. तो चलिए आगे हम क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है राइट द नंबर्स नेम. यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, इनके नंबर्स नेम बच्चों को लिखने हैं. 11, 116, 19, 14. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, फिल इन द मिसिंग नंबर. ए में है 9, 8, -, 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 -
89, 88, फिर चार आगे के नंबर उन्हें लिखने हैं। नंबर सी में 61, 60, फिर नेक्स्ट क्रम क्या होगा, एंड डी 14, 13 एंड नेक्स्ट स्टेट उन्हें लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, 40 के पहले क्या आएगा, 75 के पहले क्या आएगा, 9 के पहले क्या आएगा और 10 के पहले क्या आएगा, ये बच्चे को लिखना है। नंबर फोर, व्हाट कम्स इन बिटवीन, इन दो नंबरों के बीच में क्या लिखा जाएगा, 25-27, नंबर बी 18-20, रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर, ये नंबर दिए गए हैं इसमें से सबसे छोटे नंबर को हमें सर्कल करना है, 13, 33, 63, 93। नेक्स्ट है बी 49, 52, 78 एंड 11, इसमें से जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उसे हमें सर्कल करना है। नंबर सिक्स, पुट द करेक्ट साइन इन द बॉक्सेस ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू, नंबर ए में हो जाता है 20-32, बी 22-22 एंड सी 12-10। नेक्स्ट हो जाता है नंबर सेवन, राइट शॉर्ट फॉर्म, ये एक्सपेंड फॉर्म में नंबर दिए गए हैं, इसके शायद शॉर्ट फॉर्म लिखने हैं, 100+40+5 क्या होगा, उसी प्रकार बी नंबर में आ जाता है 50+8 क्या होगा, यहाँ पर प्लस करके होंगे, इसके शॉर्ट फॉर्म लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, सर्कल द कैरेक्ट ऑफ सेल, नंबर ए एक सेप दिए गए हैं, इस सेप को यहाँ पे नेम दिए गए हैं, कौन सा नेम है इस सेप का, उसे हमें सर्कल करना है, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये कौन सा सेप है। उसी प्रकार बी में भी हमें सर्कल बनाना है कि कौन सा सेप है, यहाँ पर सेलेक्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ हैंड्स, ये घड़ी दी गई है, क्लॉक, यहाँ पे टाइम लिखा गया है, इस टाइम ये हैंड हमें यहाँ पे बनाना है, 7 बज रहा है, इसका हैंड हमें बनाना है और 3 का हैंड बनाना है, बड़ी सुई और छोटी सुई किस प्रकार हम यहाँ पे लगाएंगे ये हमें हैंड बनाकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10, ये एक हाउस बना हुआ है, काउंट द सेप इन अबव पिक्चर्स, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल एंड स्क्वायर, ये चार सेप से हमारा ये हाउस बना हुआ है, तो क्वेश्चन ये है कि ये सेप जो है हाउस में कितने लगे, यानी रेक्टेंगल सेप कितने हैं, ट्राइंगल सेप कितने हैं, सर्कल कितने हैं एंड स्क्वायर कितने हैं, यहाँ काउंट करते हैं, यहाँ इसके जस्ट सामने नंबर्स लिखने हैं। नेक्स्ट हो जाता है 11, ऐड, इसे हमें प्लस करना है, 5+6 क्या हो रहा है, 6+2=, क्या नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन हो जाता है, 6-3=, व्हाट,
and 15 minus 10 is equal to 1. Next question number 13, word problems. Number 1 हो जाता है, there are 10 parrots and 12 pigeons on a tree. एक पेड़ पर 10 तोते और 12 कबूतर है. How many birds are there on the tree? तो उस पेड़ पर टोटल कितने birds हैं? ये हमें बनाना है. Next, Dia had 5 pens. Dia के पास 5 pens है. And she lost 2 of them. तो उसमें से वो जाता है, भुला जाता है. तो how many pens are left with her? तो उसके पास कितने पेन बचे? तो ये थे आपके एनुअल एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के ऊपर. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे. प्लीज हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी क्लास में कौन से सब्जेक्ट को देखना चाहते हैं. और साथ ही आप हमें ये भी बताएं कमेंट करके ISTSE ओलंपियाड एग्जामिनेशन समर के वीडियो हमने डाले थे जिसके रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहे हैं. ऑनलाइन बच्चे एग्जाम दे सकते हैं. क्या आपने अपने बच्चों के फॉर्म भरे हैं? और अगर नहीं भरे हैं तो इससे संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो अवश्य कमेंट करके लिखें. साथ ही इससे संबंधित मैं आपको वर्कशीट भी लेकर आऊँगी. एग्जाम इसके होने वाले हैं मई में. तो अभी भी अगर बच्चा आपका फ्री हो गया है तो उसी क्लास के एग्जाम अभी आप करवा सकते हैं जिस क्लास में आपका बच्चा अभी पढ़ रहा था. तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो जरूर हमारे कॉमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं. थैंक यू.